गुर्जर समाज को दबा देंगे। गुर्जर समाज दबने वाला नहीं है, बहुत जल्द इनको जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे। मंत्रियों से और पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, साहब गुर्जरों से पंगा नहीं ले। गुर्जर आंदोलनकारियों ने अपने लिए मुकदमे नहीं लगाए, ये किसी खेती खेत को जोतने के लिए मुकदमे नहीं लगाए। गुर्जर आंदोलनकारियों जो मुकदमे लगे हैं वो आरक्षण के दौरान लगे हैं, हमारे हक और अधिकार के लेने के लिए मुकदमे लगे हैं। हमारे खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह जैसे मुकदमे, उनमें जो समझौते हुए वो समझौते की पालना की जाए। सरकार बदलती है लेकिन समझौते की पालना सरकार को करनी पड़ेगी। राजस्थान में सरकार बदलते ही भाजपा सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गुर्जर समाज पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और गिरफ्तारी का भय दिखाया जा रहा है। गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों में राजस्थान पुलिस अपने मुकदमों को खोल रही है। हमारे साथियों के खिलाफ जो दर्ज मुकदमे हुए थे गुर्जर आंदोलन के दौरान, उनको पुनः खोलने का काम कर रही है। ये सूचनाएं मिल रही है दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ से कि जो गुर्जर आंदोलन के दौरान जो दर्ज हुए थे मुकदमे उनको वापस खोला जा रहा है। जबकि विभिन्न सरकारों से हमारे जो समझौते हुए उस समझौते के अनुसार जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन सबको वापस लेना था। पिछली सरकार में जब ये मुकदमे हुए थे 2007 और 8 के दौरान, 2006 से और 2015 तक 803 FIR दर्ज हुई थी। 803 FIR में से कल लगभग 300 FIR में FR दी गई और करीब 250 से ऊपर जो FIR थी जिनमें कोर्ट में चालान पेश हो गया था उनमें सरकार से समझौता हुआ। चालान पेश होने के बाद में सरकार ने उनको केसों को वापस लिया था। तीसरी जो मुकदमों की प्रक्रिया थी वो जिनके चालान पेश हो गए आधे लोगों के और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो गई थी और बाकी लोगों की पेंडिंग थी जो अनुसंधान में पेंडिंग रखा, पुलिस ने 173-8 में कई मुकदमे ऐसे थे जिनमें चालान पेंडिंग रखा था। अभी हमारे संघर्ष के साथी जो कोटा संभाग के गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संभाग अध्यक्ष हैं भाई सुरेश गुर्जर जी के खिलाफ 2009 का मुकदमा था झालावाड़ हाईवे जाम करने का, उसमें 173-8 की कार्रवाई पेंडिंग रखी थी। 10 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी लेकिन जैसे ही सरकार बदली और अभी कोटा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया 173-8 की कार्रवाई के द्वारा पेश करके और जो पेंडिंग मुकदमा था उस मुकदमे को खोलने का काम किया और कोर्ट से ये कहा कि साहब ये गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं 10 साल से और इनके खिलाफ वारंट जारी करें और कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकार के लोगों से, विधायक और मंत्रियों से और पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, साहब गुर्जरों से पंगा नहीं ले। गुर्जर आंदोलनकारियों ने अपने लिए मुकदमे नहीं लगाए, ये किसी खेती खेत को जोतने के लिए मुकदमे नहीं लगाए। गुर्जर आंदोलनकारियों जो मुकदमे लगे हैं वो आरक्षण के दौरान लगे हैं, हमारे हक और अधिकार के लेने के लिए मुकदमे लगे हैं। हमारे खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह जैसे मुकदमे लागू किए थे, जो दर्ज किए थे आपकी सरकार ने पिछली 2007 और 8 से और 2015 तक, उन मुकदमों में FIR लगा दी, तो ये बड़ा मुकदमे ऐसे कोई बड़े मुकदमे नहीं है। जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनमें जो समझौते हुए वो समझौते की पालना की जाए। सरकार बदलती है लेकिन समझौते की पालना सरकार को करनी पड़ेगी। यदि सरकार ने ये सोचे कि सरकार बदल गई है और हमारा राज आ गया है, जो इन्होंने 2007 में गोली चलाकर हमारे 76 लोगों को शहीद कर दिया, हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे लगाए, जेलों में ठूसा, लेकिन हम इसका प्रतिकार करेंगे और हमारे जो संघर्ष समिति के जो पुराने साथी हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट है सबको बुलाकर हम जयपुर में बहुत जल्द मीटिंग करेंगे और इस सरकार के समझौते हैं समझौते की पालना करनी है। यदि नहीं करेगी तो वापस हमें सड़कों पर, रेल की पटरियों पर आने में टाइम नहीं लगेगा। ये भूल जाए ये मुख्यमंत्री जी जो सोच रहे हैं कि पर्ची से आ गए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम गुर्जर समाज को दबा देंगे। गुर्जर समाज दबने वाला नहीं है, बहुत जल्द इनको जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे। धन्यवाद।